नमस्कार दोस्तों, आज फिर से पेंट एक्सपी वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि पेंट एक्सपी में फाइल मेनू में न्यू कैसे पेज को न्यू करते हैं, ओपन यानी किसी भी सेव फाइल को किसे ओपन किया जाता है, किसी फाइल को सेव करना, किसी भी फाइल का डुप्लीकेट फाइल करना जिसे सेव एज करते हैं ना, उसके बाद किसी भी फाइल को प्रिंट करने से पहले हम प्रिंट प्रीव्यू करके देखते हैं, फिर पेज सेटअप, उसके बाद प्रिंट, और कि उस फाइल को कैसे हम बैकग्राउंड में डेस्कटॉप के बैकग्राउंड में सेट कर सकते हैं और वहां से बाहर कैसे निकलेंगे एग्जिट, वो सारे पिछले वीडियो में हमने बताया था। दोस्तों यदि पिछले वीडियो को आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ आप जा कर के देख सकते हैं। आज हम जानेंगे कि एडिट मेनू के बारे में। चलिए दोस्तों, मैं हूँ नयन कुमार, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एडिट मेन्यू में जैसे हम यहाँ पर क्लिक करेंगे, सबसे पहला क्या है अंडू। अंडू का क्या काम है, इसका शॉर्ट की क्या होता है, कंट्रोल प्लस से, ये याद करना। पिछले वीडियो में भी हम बताए हैं कि शॉर्ट की याद करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद जानते हैं कि अंडू क्या है। जैसे हम यहाँ पर एक सर्किल बनाते हैं, ये तीन सर्किल, ये चार सर्किल, तो ये स्टेप बाय स्टेप हम चार सर्किल यहाँ पर बनाएंगे। अब हम चाहते हैं कि इसको एक स्टेप पीछे करना, फिर दूसरा स्टेप पीछे करना, तीसरा स्टेप पीछे करना, तो कैसे पीछे करेंगे, उसके लिए एडिट में जाएंगे, अंडू करेंगे। जैसे अंडू करेंगे ये एक स्टेप पीछे हो जाएगा, फिर से एडिट में जाएंगे फिर अंडू करेंगे तो फिर एक स्टेप पीछे हो जाएगा, फिर एडिट में जाकर अंडू करेंगे तो फिर एक स्टेप पीछे हो जाएगा। ध्यान रहे, पैंट में क्या होता है कि तीन बार ही अंडू होता है, तीन स्टेप ही पीछे हो सकते हैं, चार स्टेप नहीं हो पाएंगे। आप क्या कर सकते हैं, तीन स्टेप तक ही पीछे हो सकते हैं। उसके बाद ये नीचे है रिपीट। रिपीट का मतलब जैसे कि हम एक स्टेप करके पीछे हुए, हम चाहते हैं कि उसको आगे होने के लिए, तो उसके लिए क्या करेंगे, रिपीट एंड रिपीट एंड रिपीट, या इसको रिडू भी कहा जाता है। तो जितना स्टेप हम पीछे हुए थे फिर उतना स्टेप हम क्या है आगे हो जाएंगे। ओके दोस्तों, जैसे पूरा डिटेल से बताते हैं कि अंडू का क्या काम है। जैसे हम यहाँ पर कोई ड्रॉ करते हैं, इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं। अब यहाँ हम कोई ये कलर चूज किए अच्छा नहीं लग रहा, हमको दूसरा कलर फिल करना चाहते थे, तब तक क्या हो गया कि ये बॉक्स के बाहर में कलर फिल हो गया। अब हमको ये जो कलर है बॉक्स के बाहर जो फिल हुआ है, इस कलर को हम नहीं फिल करना चाहते थे लेकिन ये फिल हो गया किसी कारणवश, वहाँ पर क्लिक हो गया बाहर में, जिसके वजह से कलर फिल हो गया। क्या हो गया, मेरा गलती हो गया। हम चाहते हैं कि इसको ठीक कैसे करें, ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद क्या करेंगे, अंडू करेंगे, या शॉर्ट की क्या होता है कंट्रोल प्लस जेड करेंगे, तो क्या होगा वो एक स्टेप पीछे हो जाएगा और वो ठीक हो जाएगा। समझ में आ रहा। चलिए अब जैसे कि हम उसी को फिर से नहीं जैसे था वैसे ही रहने देते हैं, वो ठीक था, तो फिर हम क्या करें, उसके लिए हमको क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। रिपीट करेंगे जैसे, तो फिर से जैसे था वैसे ही फिर बन जाएगा। समझ में आ रहा। चलिए उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अंडू कर लेते हैं पहले। उसके बाद है कट, कॉपी और पेस्ट, ये तीनों का यूज हम बताते हैं। जैसे हम सबसे पहले इसको सिलेक्ट करेंगे, सिलेक्ट करने के बाद डिलीट करेंगे, और यहाँ से कोई सर्कल हम ड्रॉ कर लेते हैं और इसमें कोई कलर फिल कर देते हैं, कोई भी कलर, एनी कलर कोई फिल कर देते हैं, कलर फिल हो गया। ध्यान रहे, आपको कट या कॉपी कुछ भी करने से पहले, कट या कॉपी कुछ भी करने से पहले आपको क्या करना होगा, सिलेक्ट करना होगा आप किसको कट करना चाहते हैं। आप जिसको भी कट करना चाहते हैं उतना एरिया आपको सिलेक्ट करना होगा, उसके बाद ही कट या कॉपी कुछ भी हो सकता है। तो जैसे हम क्या करना चाहते हैं, इस सर्कल को क्या करना चाहते हैं, सिलेक्ट करना चाहते हैं, तो सिलेक्ट टूल लेंगे और यहाँ से क्या करेंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। ये मेरा हो गया सिलेक्ट, ये सिलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ पर देखिए कि एक्टिव है, कट और कॉपी एक्टिव है ना। यदि यदि ये सिलेक्ट नहीं रहेगा तो कट या कॉपी कोई भी एक्टिव नहीं रहेगा। एक्टिव है क्या, नहीं है, कट कॉपी एक्टिव नहीं है। तो ध्यान रहे कि जब भी हम कोई कट या कॉपी करना चाहते हैं तो जिस एरिया को हम
कट करना चाहते हैं या कॉपी करना चाहते हैं उस एरिया को सिलेक्ट करना जरूरी होता है। ये हम सिलेक्ट कर लिए। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद यहाँ से क्या करेंगे, कट। कट बटाने से पहले हम क्या करेंगे, कॉपी बताते हैं। कॉपी जैसे करेंगे तो क्या होगा कि इसमें किसी तरह का चेंजेस नहीं होगा। जैसे यहाँ पर ये जो एरिया सेलेक्ट किया इसमें कोई चेंज हुआ है क्या, नहीं हुआ है। उसके बाद हम कॉपी कर लिए हैं, उसके बाद क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और यहाँ से क्या करेंगे, पेस्ट। जैसे पेस्ट करेंगे तो पहले जो फाइल मेरा था, हम जो एरिया सेलेक्ट किए थे उस एरिया को कॉपी करके फिर से पेस्ट कर दिया, यानी उसी तरह से हम एक डुप्लीकेट फाइल, डुप्लीकेट ड्रॉइंग ये तैयार हो गया, हो गया ना। अब हम चाहते हैं कि नहीं इसके जैसे और बहुत ज़्यादा लाना है तो हमको फिर से कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हम एडिट में जाएंगे और पेस्ट करेंगे। कॉपी करने के लिए शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस सी और पेस्ट करने के लिए कंट्रोल प्लस वी, है ना। तो हम फिर से सिर्फ पेस्ट करेंगे तो जो एरिया पहले से सेलेक्ट था वो ऑटोमेटिक ये पेस्ट होते रहेगा। हम जितना चाहे उतना पेस्ट कर सकते हैं, जितना चाहे उतना यहाँ पर ला सकते हैं, अनलिमिटेड। समझ में आ रहा दोस्तों? चलिए आगे बढ़ते हैं। हमने कॉपी तो सीख लिया, उसके बाद हम चलते हैं पेस्ट कट पर। कट क्या होता है तो हम इसको इरेज कर देते हैं। सबसे पहले सेलेक्ट किए इरेज कर दिए। इरेज करने के बाद फिर से एक ड्रॉ करते हैं और यहाँ से कलर फिल कर देते हैं कोई भी, ये फिल हो गया। अब हम इसको क्या करेंगे, ध्यान रहे हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। सबसे पहले कट या कॉपी करने के लिए सेलेक्ट करना जरूरी होता है। सेलेक्ट कर लिए, अब एडिट में जाएंगे और क्या करेंगे, कट। तो कॉपी जो किए थे इसमें से कोई भी चेंजेस यहाँ पर नहीं हुआ था, लेकिन जैसे कट करेंगे तो यहाँ से ये गायब हो जाएगा। यानी कट का मतलब होता है एक जगह से उठा करके दूसरे जगह लेके जाते हैं, उसको क्या कहते हैं, कट, है ना। और कट पेस्ट, और जैसे जैसे कि हम उसको कट कर लिए पहले, कट करने के बाद हम क्या करेंगे, पेस्ट। पेस्ट करेंगे तो क्या होगा, ये आ जाएगा। अब हम एक बार कट करने के बाद जितना चाहे उतना पेस्ट कर सकते हैं, कितना, अनलिमिटेड। कितना, अनलिमिटेड। समझ में आ रहा दोस्तों? चलिए पेस्ट तो आप लोग का क्लियर हो गया। हम यदि सेलेक्ट टूल से कुछ भी सिलेक्ट करना चाहें तो क्या होता है कि पूरा पेज को यदि सिलेक्ट करना चाहें तो एक बार में सिलेक्ट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इधर भी और बहुत ज़्यादा पेज है जो हम एक बार में सिलेक्ट नहीं कर सकते। यदि हमको पूरा पेज को एक बार में ही सिलेक्ट करना है तो हम कैसे सिलेक्ट करेंगे, जैसे हम इस पेज को पूरा कलर करते हैं और यदि हम यहाँ पर इसको सिलेक्ट करेंगे तो क्या होगा कि इतना यदि हम सिलेक्ट करना चाहते हैं तो इतना से ज़्यादा सिलेक्ट कर सकते नहीं सकते हैं। डिलीट करेंगे तो ये ऊपर रह जाएगा, इधर भी रह जाएगा। लेकिन हम क्या करेंगे, पूरा पेज को एक बार में सिलेक्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए एक शॉर्ट की होता है कंट्रोल प्लस ए, या हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर एडिट में जा करके, एडिट में जा करके हम सेलेक्ट ऑल में क्लिक करेंगे तो पूरा पेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर डॉट 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 ऊपर में दिख रहा है ना, ये चारों तरफ डॉट डॉट दिख रहा है, ये क्या होगा, पूरा पेज ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो गया। अब हम इसको यदि क्लियर करना चाहते हैं तो डेल बटन प्रेस करेंगे, और नहीं तो हम क्या करेंगे, एडिट में जाएंगे और क्लियर सिलेक्शन, क्लियर सिलेक्शन में जैसे क्लिक करेंगे, ये डी एल बगल में लिखा हुआ है, यानी क्लियर सिलेक्शन डेल बटन पे काम करता है। क्लियर सिलेक्शन में जैसे क्लिक करेंगे ऑटोमेटिक क्लियर हो जाएगा, है ना, इंटरेस्टिंग। उसके बाद कॉपी टू, कॉपी टू बताने से पहले हम जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने बताया था सेव एज, सेव एज क्या होता है, सेव एज का मतलब होता है किसी भी फाइल को डुप्लीकेट बनाना, सेम उसी तरह है कॉपी टू, उसी का ऑपोजिट। जैसे कैसे, कोई भी फाइल हम यहाँ पर ड्रॉ करेंगे, इसको कलर फिल कर देते हैं। कलर फिल करने के बाद हम क्या करेंगे, इस फाइल को सिलेक्ट करेंगे जितना हम कॉपी टू करना चाहते हैं। फिलहाल अभी क्या है, कॉपी टू एक्टिव नहीं है, जब हम सेलेक्ट करेंगे तो ही कॉपी टू क्या होगा, एक्टिव होगा। देखिए कॉपी टू तो ये मेनू है, एक्टिव हो गया, है ना। अब हम जैसे कॉपी टू करेंगे तो पहले से जैसे कि ये जी जी फोल्डर जो है ना, जी फोल्डर जो है ये क्या है, पहले से ये ड्राइंग इसमें बना हुआ है। हम चाहते हैं ये जी जो फोल्डर है, इस फोल्डर में ये जो सेलेक्ट किए हैं उसको वहाँ पर
पेस्ट कर देंगे, उस फोल्डर में लेके चले जाएंगे। फोल्डर का नाम तो वही रहेगा, सिर्फ उसका अंदर का मटेरियल जो है वो चेंज हो जाएगा, अंदर का ड्राइंग जो है वो चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिक कॉपी टू कॉपी। तो उसमें सेलेक्ट करके क्या करेंगे, सेव करके रिप्लेस कर देंगे, ठीक यस कर देंगे। अब क्या होगा कि हम फाइल में जाएंगे और ओपन करके देखेंगे कि जो जी नाम का जो फोल्डर था वो क्या वास्तव में वो जो पहले था वो हट करके अभी जो था सेलेक्ट किए वो आ गया है, देखते हैं। तो जो जितना हम सेलेक्ट किए थे उतना एरिया क्या यहाँ पर आ गया, समझ में आ गया। उसके बाद हम यहाँ पर न्यू पेज ले लेते हैं, एडिट में जाएंगे। एडिट में जाने के बाद पेस्ट फॉर्म, यदि हमको यहाँ पर कोई भी इंसर्ट करना है पिक्चर, जैसे कोई फोटो वगैरह यहाँ पर हमको इंसर्ट करना है, तो कैसे इंसर्ट करेंगे, कैसे इसमें ऐड करेंगे, तो उसके लिए हमको क्या करना होगा, एडिट में जा करके पेस्ट फॉर्म करना है। पेस्ट फॉर्म में आपके जिस लोकेशन में आपका पिक्चर है, फोल्डर है, फोल्डर में आपको जाना है, और जाने के बाद आपको यहाँ पर जो भी फोटो चाहिए, जो भी पिक्चर चाहिए, वो पिक्चर आपको यहाँ पर सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। ये पिक्चर यहाँ पर आ गया, चलिए आप लोग का एडिट मेन्यू ये कंप्लीट हो गया। आशा करते हैं आप लोग को वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, यदि अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगले दिन हम सीखेंगे व्यू मेन्यू और इमेज मेन्यू के बारे में, तब तक के लिए धन्यवाद।